इन प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ पेंडेमिक COVID-19 वी हैव बीन अंडर थ्रेट टू न्यू डेवलपमेंट फेजेस एंड दीज फेजेस हैव टू बी डिस्कस्ड। बदलते समीकरण, बदलता वक्त, एक नया नॉर्मल, एक पेंडेमिक COVID-19 की उभरती चुनौती एंड वी मार्क द बेस्ट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो टुडे वी विल लर्न व्हाट दिस यूटिलाइजेशन मीन्स एंड वेयर इंडिया इज स्ट्रगलिंग विद टू बी इमर्ज्ड आउट एज चाइनाज ऑल्टरनेटिव। इन दिस रिगार्ड वी विल गोइंग टू मूव अहेड विद सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी वेयर वी हैव डिस्कस ऑल थ्री क्वेश्चंस व्हिच हैव टू बी एड्रेस्ड। तीन सवाल जिसका जवाब ढूंढती हर अर्थव्यवस्था, वॉट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, इन वॉट क्वान्टिटी इट शुड बी प्रोड्यूस्ड, कितना बनाए, देन हाउ शुड बी प्रोड्यूस्ड, वेदर कैपिटल शुड बी इन्वेस्टेड और लेबर एफर्ट्स कैन बी यूज्ड। सो वी हैव टू फोकस ऑन GDP, सो देन वॉट विल बी द सोशल जस्टिस कंडीशन, डज वी वॉन्ट जॉबलेस ग्रोथ, दीज क्वेश्चन हैव टू बी एड्रेस्ड हियर। सो दैट्स स्पेसिफिकली इमर्ज्ड एज चैलेंज फॉर इंडिया, भारत के लिए उभरती हुई दो चुनौतियाँ एड ऑन प्रॉब्लम्स के नेम पर, बिकॉज दीज आर एडिशनल प्रॉब्लम्स एंड इंडिया इज मार्किंग डेवलपिंग इकोनॉमी बट स्टिल अंडर डेवलप्ड। सो इट इज वन प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एज वी हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बट दे आर नॉट यूज एट देयर बेस्ट पोटेंशियल। अनदर द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, because the alternative uses are there but invention, innovation and research in India lags behind due to capital investment, either physical, financial or the even natural, but it is discussed here. Kuch aise resources hai India ke which are not used effectively, which are not used efficiently and their remained potential go to a waste. When the maximum possible output can be obtained, but that unattained portion due to the lagging of technology, lack of working culture, the corruption, the inefficiency and ineffectiveness in delivery of work accounts here in underutilization. Log hain, par kaam karne ko tayar nahi hai. Kaam hai, पर करने वाला नहीं है। लैगिंग बिहाइंड इन दीज काइंड ऑफ फीचर्स एड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लॉकआउट्स, स्ट्राइक्स, लॉस ऑफ आउटपुट इन फैक्ट्रीज एग्जांपल। अनदर प्रॉब्लम ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, बीइंग अ अंडर डेवलप्ड कंट्री, लिमिटेड रिसर्च फैसिलिटीज, लैक ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द आइडेंटिटी, low level of GDP, because ineffective delivery of work will reduce the potential to have the better new technology, innovation, invention and ultimately they depend on developed nation and they serve as the dumping hub of them. Hamare paas new advanced technology nahi hai, invention, innovation ke liye ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, रिसर्च में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सो अल्टीमेटली वी आर मार्केट फॉर द डेवलप्ड इकोनॉमी टू डिस्पोज ऑफ देयर वेस्ट। स्कॉलर्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन एस्पेक्ट दिस टाइम एंड व्हिच एस्पेक्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस इज दैट योर इकोनॉमिक्स। एंड द टर्म टुडे विल बी डिस्कस्ड इज यूटिलाइजेशन of resources. So it is three: underutilization, underutilized, second overutilized, and third optimally utilized. This means best use. Then this means used excess
and underutilized means not used properly. As per for easy word for you, not used properly. Underutilized का मतलब है कि आपका एक रिसोर्स आपने यूज़ नहीं किया प्रॉपरली. यूटिलाइजेशन का वर्ड आप लोगों को इंट्रोड्यूस हुआ है, इट मीन्स यूज. इन फर्स्ट चैप्टर आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू विद यूटिलाइज मीन्स यूज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मीन्स यानी जो संसाधन आपके पास अवेलेबल हैं. एंड अंडर यूटिलाइज्ड यानी कि नॉट यूज्ड प्रॉपरली, इसमें वेस्टेज होगी. देन अंडर यूटिलाइज्ड, ओवर यूटिलाइज्ड किसी चीज का एक्सेसिव यूज कर लेना. देन ऑप्टिमल यूटिलाइज्ड, बेस्ट यूज. सो दिस इज थ्री टाइप्स ऑफ यूजेस विच वी विल डिस्कस वन बाय वन इन दिस एस्पेक्ट. सो फॉर दिस सेशन दिस मच इज देयर. यूटिलाइजेशन मीन्स यूज एंड द यूज इज पॉसिबल इन थ्री वेज, बेस्ट यूज, अंडर यूज एंड ओवर यूज. सो लेट्स कंक्लूड इट for this session. So till then, take care. See you again soon. So in previous session you have learnt about the add-on problems of economy, where India is lagging behind. It's just due to growth of resources, due to lack of innovation and invention, and due to the lack of research facility, we are not able to utilize our best potential available resource. So we are marking underutilization of resources. So I have introduced you with the term underutilization, overutilization of resources, and then the best one, optimal utilization of resources. So today we have understood the concept of utilization, which means use to have the better output. So hereby we are concluding it for today with a thanking note.